नमस्कार, एसएन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे ही गठबंधन हुआ वैसे ही मायावती के ऊपर मूर्तियों का विवाद डाल दिया गया। अब दूसरा, अखिलेश यादव प्रयागराज जा रहे थे तो उनको रास्ते में ही उनके विमान को रोक दिया गया। यह बीजेपी की नाकामियां हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने डर के मारे सपा और बसपा गठबंधन को, दोनों को ही नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रही है। लेकिन बहुजन समाज का वोटर इतना जागरूक हो गया है कि अब उसे इन सब चीजों का, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उन्होंने ठान लिया है कि सपा और बसपा के गठबंधन को ही मजबूत बनाना है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अब उसका सत्ता में वापस आना मुश्किल ही लग रहा है। तो वो अपने अपने तरीके से सपा और बसपा को, दोनों को रोकने का कार्य कर रही है। बीजेपी को जहां 2014 में एक तरफा जीत मिली थी, वहां से ही हारने का डर लग रहा है बीजेपी को। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा में भी कम हो सकती है सीटें बीजेपी की, लेकिन सपा और बसपा के गठबंधन का पूरे देश के ऊपर असर पड़ने वाला है, क्योंकि कहते हैं यूपी से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी निकल कर जाती है। तो अब देखते हैं आगामी चुनाव के अंदर क्या रहता है 2019 के अंदर। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।